मांग करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया। संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, और इसी के साथ बीजेपी नेता ने यह दावा किया कि इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं खोल के कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड नाम से एक नए सूबे का उदय हुआ था। इस बंटवारे के बाद भी यूपी अभी इतना बड़ा है कि इसे कम से कम 3 राज्यों हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के रूप में बांटने की समय समय पर आवाज उठती रही है, लेकिन इसको लेकर कभी बड़े आंदोलन नहीं हुए जैसा कि उत्तराखंड को लेकर हुए। तो आखिर हम अब यूपी के बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है संजीव बालियान का बयान, जिन्होंने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठा दी। मैं खोल के कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए, 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश है। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात या पहुंचाइए अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं, संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। वैसे तो पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने की मांग नई नहीं है। इसको लेकर 90 के दशक में कांग्रेस नेता निर्भय पाल शर्मा और इम्तियाज खान ने हरित प्रदेश का नाम देकर आंदोलन शुरू किया था। उसी दौरान चौधरी अजीत सिंह ने भी इसको हवा दी थी। चौधरी अजीत सिंह इस मामले को संसद तक तो ले गए, लेकिन वे आंदोलन को सड़कों पर नहीं ला सके। संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की तो सरदना विधायक संगीत सोम ने इसका विरोध तो किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अगर बंटवारा हुआ तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आप जेलों में चले जाइए, आज जेलों में 50-60% 70% एक ही वर्ग के लोग हैं, क्योंकि क्राइम एक ही वर्ग के लोग करते हैं ज्यादा। आपने देखा होगा कि जितने भी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है उसमें मर्डर किए हों, जितने मर्डर होते हैं एक ही वर्ग के लोग करते हैं अधिकतर। मैं फिर कहता हूं कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना मिनी पाकिस्तान बनना है, ये मिनी पाकिस्तान जैसी इसकी स्थिति बन जाएगी। इसलिए हम कभी इसके समर्थन में नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली में जोड़ के वृहद प्रदेश बने और हमें दिल्ली में जोड़ा जाए, यही हमारी मांग। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है और उससे पहले पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग चुनावी शिगुफा ज्यादा लग रही है। हालांकि संगीत सोम ने बंटवारे का विरोध करते हुए अपनी ही पार्टी के नेता पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये मांग कोई नई नहीं है बल्कि पुरानी है। तो चलिए इसी के साथ न्यूज टेट आपको ये भी बताता है कि ये मांग कब उठी है। दरअसल 90 के दशक में कांग्रेस नेताओं ने ये मांग उठाई थी। निर्भय पाल शर्मा, इम्तियाज खान ने हरित प्रदेश नाम दिया था और इसी के साथ हरित प्रदेश को लेकर आंदोलन शुरू किया गया। इस मांग को 1991 में जयदेव बरार और चौधरी अजीत सिंह ने हवा दी। चौधरी अजीत सिंह इस मामले को संसद तक ले गए, हरित प्रदेश का आंदोलन सड़कों तक नहीं ला सके। आरएलडी के नेता रहे पुष्पेंद्र सिंह ने हरित प्रदेश नाम से दल भी बनाया था। और चलिए इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार पश्चिमी यूपी अहम क्यों है। गन्ना उत्पादन के मामले में सबसे ऊपर है, अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में भी अव्वल है। नोएडा, आगरा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहर है यहाँ पर। नोएडा में आईटी हब, गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल हब, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे औद्योगिक शहर। इसके अलावा प्रदेश के 4 बड़े एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी में। मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा सोना बाजार है। खेल से जुड़े सामानों के मामले में भी मेरठ सबसे बड़ा निर्यातक है। वहीं साथ ही बुलंदशहर दुनिया भर में खुर्जा मिट्टी के बर्तन के लिए मशहूर है। इतना ही नहीं, दिल्ली से जुड़ा होने के चलते यहाँ पर विकास की गति भी तेज है।